और चलिए इस वक्त एक और खबर सामने आ रही है कि आपको बता दें बीजेपी दफ्तर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी के वर्ष को लेकर एक बैठक होने जा रही है। बेहद खास ये बैठक है, कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की जाएगी, इस अहम में फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक के अंदर बीजेपी ने एक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन रखा है। इस मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में वी डी शर्मा इस वक्त पहुंचे हुए हैं बीजेपी दफ्तर में और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और वो हमें पूरी जानकारी देंगे इस बैठक से जुड़ी हुई और इस प्रशिक्षण कार्यशाला से जुड़ी हुई। क्या कुछ बताएंगे सूरज आप? देखिए सहायता, बिल्कुल, जो विधानसभा प्रशिक्षक यानी यूँ कहें कि बूथ विस्तारक जो हैं उनका प्रशिक्षण आज यहाँ पर होना है, जिसमें खासतौर से प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संघीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल से तमाम बड़े पदाधिकारी जो हैं, प्रभात झा की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, सत्यनारायण जटिया, तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और 11 बजे से 1 बजे तक रीवा, जबलपुर, सागर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। उसके बाद 3 बजे के बाद जो नर्मदापुरम है भोपाल संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो कुल मिलाकर किस तरीके से जन्म शताब्दी वर्ष बनाना है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होगी। इसके साथ ही जो समर्पण निधि संग्रह है उसको लेकर चर्चा की जाएगी, अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देगी। तो खास बात यही है कि सबसे पहले जो प्रशिक्षक जो हैं, जो बूथ विस्तारक हैं, उनको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस तरीके से उन्हें काम करना है, संगठन की पहुंच जनता तक किस तरीके से पकड़ मजबूत करनी है उसको लेकर बैठक की जाएगी। एक तमाम एक एक चीज़ बारीकियों पर एक एक पहलू पर उनको बताया जाए कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है और बूथ पर किस तरीके से विस्तारक अपना काम करेंगे। सायदा बिल्कुल सूरज, और इसके अलावा कार्यक्रम भी कुछ होने हैं इस मौके पर, किस तरह के कार्यक्रम होने हैं ये भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। क्या ये कार्यक्रम भोपाल के स्तर पर ही रहेंगे या प्रदेश भर से जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, कार्यक्रमों को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? देखिए संभागवार जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र से वर्चुअली शामिल होंगे, लेकिन जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश प्रभारी की बात करें, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री की बात करें, तो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी कार्यालय से जुड़ेंगे और जो संभाग स्तर के पदाधिकारी हैं, जो प्रशिक्षक हैं, जो विधानसभा प्रशिक्षक जिनको बनाया है, बूथ विस्तारक जिनको बनाया है, वो अपने अपने क्षेत्र से वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर पार्टी का उद्देश्य वही है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, सरकार की योजना कितने लोगों तक पहुँची है, किस स्तर पर उनका कामकाज चल रहा है, केंद्र सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना, कुल मिलाकर किस तरीके से जो पहले पन्ना प्रभारी बीजेपी ने बनाया उसके बाद अब बूथ विस्तारक बनाए हैं, तो किस तरीके से बूथ विस्तारक का कार्यक्रम होगा उनको लेकर यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अलग अलग संभाग बार प्रशिक्षण होगा। शाम को 5 बजे की बात करें तो इधर जो समर्पण संग्रह निधि है उसको लेकर बैठक की जाएगी और शाम को 7 बजे जो आयोजन समिति की बैठक है वो संपन्न होगी। तो कह सकते हैं बीजेपी कार्यालय में आज दिनभर मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जहां पर तमाम बड़े पदाधिकारी, संगठन की दृष्टि, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी शामिल होंगे। शायद सूरज आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बस कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम शिवराज भी पहुंचने वाले हैं, फिलहाल अभी कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जानी है। साथ ही साथ एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है।